सो गाइस, आज की ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताने वाली हूँ जो कि BTS मेंबर्स ने जब वो फीमेल आइडल या फीमेल फैंस के साथ थे, तब उन्होंने इस पॉइंट को यूज किया एंड ये दिखाता है कि BTS मेंबर्स जो फीमेल के साथ होते हैं, चाहे वो फैन हो गई चाहे आइडल हो गई, तो वो सच में एक जेंटलमैन के जैसे ही बिहेव करते हैं एंड इतना ही नहीं, वो फीमेल्स को प्रोटेक्ट भी करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है मैनर हैंग। तो साउथ कोरिया में सिंपली ना जो पर्सनल स्पेस बोल ले हम, चाहे फीमेल रिस्पेक्ट बोल ले, तो वहां पे जो हैंग है ना, वो फीमेल को टच नहीं करते हैं, चाहे वो फोटोज क्लिक करवाते हो, चाहे BTS फैंस के साथ फोटो क्लिक करवाए, चाहे आइडल के साथ। तो ये साउथ कोरिया का एक नियम है जिसको BTS को आपने मेंटेन करते हुए देखे होंगे बहुत बार, चाहे आपने देखे होंगे जब मेगन के साथ BTS ने फोटोज क्लिक करवाए तब भी उन्होंने मेंटेन किए थे इस बात को, एंड चाहे आपने हॉल्सी के साथ BTS को जब भी देखे होंगे तब भी उन्होंने इस पॉइंट को बहुत ही बखूबी निभाया। आपने 2017 में भी देखा था कि जब एक इंटरव्यू में, अमेरिकन इंटरव्यू में, एक इंटरव्यूअर डांस करते करते शुगा एंड वी को हग करने लगी है, शुगा एंड वी को उन्होंने हग भी किया, देन आपने नोटिस किए होंगे कि शुगा एंड वी ने उस फीमेल इंटरव्यूअर को टच नहीं किया एंड पोलाइट वे में डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे थे। एंड इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ना आपको बिल्कुल मेल्ट करने वाला है आपके दिल को। एक्चुअली जब BTS एक मुस्लिम फैन से मिलते हैं तो उसके साथ BTS मेंबर बिल्कुल अलग ही बिहेव करते हैं एंड बिल्कुल जेंटलमैन के जैसे। वेल, मैं आपको बता दूं, आपको अगर याद होगा कि 2017 में BTS मेंबर्स सिंगापुर गए थे म्यूजिक बैंक फेस्टिवल के लिए एंड वहां पे ना कुछ लकी फैंस थे जो कि ऑन द स्टेज चूज किए गए थे, जो कि स्टेज पे आते, ठीक है, एंड उस लकी फैन को ये चांस मिलता कि वो BTS मेंबर्स के साथ सेल्फीज ले सके। सो एक फैन जो कि उस कॉन्टेस्ट को जीती एंड जो कि मुस्लिम थी एंड वो स्टेज पे आई एंड जैसे ही जेहोब ने ये नोटिस किया उसके क्लोथ को, उसके कॉस्ट्यूम को, सो उस फीमेल BTS आर्मी ने हिजाब पहना हुआ था। एंड गाइस, इतना ही नहीं, जेहोब ने कैमरे में ये बोलते हुए भी देखे गए कि उन्होंने बाकी BTS मेंबर्स को बोले कि प्लीज आप लोग उसे बिल्कुल भी टच मत करना बिकॉज शी इज अ मुस्लिम। सो आपको पता ही होगा कि इस्लाम में जो विमेन होती है जो कि हिजाब पहनती है, उनको उनके भाई के अलावा कोई भी टच नहीं कर सकता, या उस गर्ल के पिता उनको टच कर सकते हैं या कोई जो मतलब उनके बहुत ही क्लोज है बस उनको वही टच कर सकते। So, आपने देखा होगा कि वो जो फैन थी वो अलग से सेल्फी लेती है BTS के साथ एंड जब ये सोशल मीडिया पे आया तो जितने भी मुस्लिम फैंस थे वो बहुत ही ज्यादा अमेज्ड हो गए, उन्हें बहुत ही अच्छा फील हुआ कि BTS इतना सोचते हैं उनके लिए। सो गाइस, आप मुझे कमेंट में बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय, टेक केयर एंड वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर करते हैं।